नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। कहा जाता है कि बुनियाद अगर अच्छी है तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। या संस्था या कानून कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन संस्था को चलाने वाले या कानून का अनुपालन करने वाले ही कमजोर हो और दूरदर्शी ना हो तो दोनों परिस्थितियों में नुकसान होता है। ठीक इसी तरह घोटाले और भ्रष्टाचार से त्रस्त भारतीय जनता ने एक शक्तिशाली और मजबूत सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में चुनकर भेजी। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी जनता की आकांक्षा और अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए खूब मेहनत की, और इसी का परिणाम रहा कि अब भारतीय जनता को सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगुनी विकास कर रहा है, और ये मोदी का ही कमाल है कि टेक्सटाइल, रोड, आयात निर्यात, सुरक्षा, विदेश, यानी कि हर क्षेत्र में विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मोदी का ही कमाल है कि रेलवे भी तरक्की और काम को लेकर रिकॉर्ड इतिहास रच रहा है। ताजा मामला रेलवे कोच फैक्ट्री का है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना लालगंज रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के 5 माह में ही रेल कोच फैक्ट्री अपने पिछले साल से दुगने रेल कोच बनाकर तहलका मचा दिया है। रेल यात्रियों की सेवा में समर्पित कर चुका है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना का ये 5वां साल है जो तमाम झंझावातों के बाद इस रेल कोच फैक्ट्री में साल 2014-15 में कोच का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। शुरुआती दौर में यहाँ रेल कोच केवल असेंबल होते थे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से कुछ बन कर आते थे और सेल में यहाँ कोचों की रंगाई पुताई का ही काम होता था। रेल कोच फैक्ट्री बनने के पहले साल यहाँ सिर्फ एक कोच बना था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसी का कमाल है कि धीरे धीरे इस रेल डिब्बा कारखाना ने रफ्तार पकड़ी। अब ये रेल डिब्बा कारखाना राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से दौड़ने लगा है। वित्त वर्ष 2015-16 में इस डिब्बा कारखाना में 76 कोच बनकर रेलवे को समर्पित किए गए थे। वित्त वर्ष 2016-17 में कोच फैक्ट्री में 135 कोचों का उत्पादन किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 में यहाँ तैयार होने वाले रेल डिब्बों की संख्या 185 तक पहुँच गई। रेल कोच फैक्ट्री द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के 5 माह में ही रेल डिब्बा कारखाने ने पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुने 368 आधुनिक रेल कोच तैयार कर रेलवे को सौंपे जा चुके हैं। कारखाने की साल दर साल रेल कोच उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। क्षमता से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी काफी खुश हैं, और रेलवे मंत्रालय भी इसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये सब हुआ प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और काम करने के लगन और अथक प्रयास से, जो अपने नेतृत्व में देश को विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी हो, मोदी की सोच और रेल मंत्री पीयूष गोयल की मेहनत का ही कमाल है कि भारतीय रेलवे रोज नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है, चाहे रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। रेलवे अपने हर विभाग में तेजी के साथ विकास कर रहा है, और ये हुआ रेल मंत्री पीयूष गोयल के बदौलत और प्रधानमंत्री मोदी की सोच की वजह से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोमेरोंग दोनी पोलोनो आइदों। पासीघाट सहित अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी क्षेत्र के साथियों को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री प्रेमा जी, हमारे उम्मीदवार सभी, सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, 30 मार्च को मैं आलो आया था। वहां से अरुणाचल के हर वासी का आपके सहयोग के लिए, आपके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया था। आज एक बार फिर आपके प्यार के लिए
मैं हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, आपका प्यार और उसी का ये परिणाम है कि आज हम अरुणाचल में गांव गांव में सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो या फिर एयरवे, कनेक्टिविटी को मजबूत करने में बहुत काम कर पाए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपका मुझे साथ न मिला होता तो ये काम मैं कर पाता क्या? अरुणाचल का भला हो सकता था क्या? विकास के काम हो सकते थे क्या? कनेक्टिविटी के काम हो सकते थे क्या? ये आपके सहयोग के कारण हुआ कि नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तेजू और पासीघाट में एयरपोर्ट, नहर लागुन और गुवाहाटी के बीच चलने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट आपके मजबूत विश्वास का ही परिणाम है। अब यही जगह देख लीजिए, मैं 2014 में यहां आया था, तब ये खेत था, खेत, और उस कोने से उस खेत में कुछ लोग आए थे, उनको मैंने संबोधित किया था। आज देखते ही देखते एक शानदार स्टेडियम बन गया। अब अरुणाचल से फुटबॉल के तगड़े खिलाड़ी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? पासीघाट का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? आपने साथ दिया तभी हम पासीघाट और ईटानगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठा पाए हैं। आपके मजबूत विश्वास का ही नतीजा है कि आज अरुणाचल में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अनेक संस्थान बन रहे हैं। आपके विश्वास का ही परिणाम है कि आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। हर घर को रोशन कर पाए हैं। भाइयों और बहनों, ईटानगर और दिल्ली में विकास का डबल इंजन आप सब लोगों ने लगाया, इसी का परिणाम है कि आज विकास के नए रास्ते पर अरुणाचल चल पड़ा है। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने 70 साल तक राज किया, एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए हैं। मुझे तो 5 साल अभी होने बाकी है, तो मैं भला ये तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समाधान कर सकता हूं कि मैं हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूं। मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में लेने की तैयारी रखने वाला इंसान हूं, और जो काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहता हूं। आपने कभी सुना है कि आपका ये सेवक कभी छुट्टी पे चला गया? सुना है?
कभी छुट्टी ली है, कभी आराम किया है, कभी मौज मस्ती में टाइम बिगाड़ा है, आप ही के लिए लगा हूं कि नहीं लगा हूं, 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगा हूं कि नहीं लगा हूं, ये आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है जो मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की नई ऊर्जा देता है। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा संकल्प मजबूत है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का हमारा लक्ष्य है। नए अरुणाचल के लिए बीजेपी का विजन है संपर्क, संसाधन और सम्मान। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर आप सभी का आदेश देने के लिए मैं और मेरे तमाम साथी आज आप सभी के बीच आए हैं।